ब्लॉगिंग ना लाई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, सो नमल के ढाबे पे खुश आमदी। ये हम हर रोज़ तकरीबन जो है वो यहाँ पे आते हैं चाय पीने आफ्टर यूनिवर्सिटी। जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? नथिंग। ये हमारे बिल्ला जी हैं। बिल्ला जी कुछ तो कहें ना आप। All for best, but prepared for worst. That's the simple thing. सुनहरी वर्ड्स आपने सुने बिल्ला जी के। ये हमारे इंटेलेक्चुअल द ग्रेट हरमैन शरीफैन। जी सर, आप कहना पसंद? मैं यहाँ से बोलूँगा भी आवाज़ में फिर भी नहीं जा रही है। आपके हम नेड़े आ जाते हैं, आप बोले। हमारे ये लास्ट सेमेस्टर से हमारे तो सेकंड लास्ट ईयर तो मेरा लास्ट। नमल में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है सर? नमल में एक्सपीरियंस तो मेरा आपको कहने की ज़रूरत नहीं सर, बहुत अच्छा रहा है नमल में एक्सपीरियंस। अच्छा, लाने बहुत अच्छा रहा है, रखा है नमल के अंदर। तरक्कियाँ दी हैं, तरक्कियाँ भी दी हैं, बहुत कुछ पाया भी है, बहुत कुछ खोया भी है, बहुत कुछ सीखा भी है। और बहुत कुछ क्या सीखा सर लेके जा रहे हैं यहाँ से नमल से? मैंने एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो मैंने ये सीखी है कि यहाँ पे टाइम गुजर, यहाँ पे कोई किसी का भी नहीं है। स्नेक्स है, कोबरा वाले। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे ये है कि आप यूनिवर्सिटी लाइफ में जब आते हो ना तो आपके दोस्त भी दोस्त नहीं होते। ये सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात है भाई। नमलियन सुन लो सारे, हमारे ग्रेट आपको बता दें, इनका इंग्लिश पे बड़ा अबूर अच्छा खासा है। फर्स्ट प्रायोरिटी हुमैन आरिफ एंड द सेकंड गलती इज बिल्ला जी गलती एंड द थर्ड, ये गलती देख ले आप, एंड द थर्ड प्रायोरिटी फॉर हसीन जिसके पेपर हमने बहुत कोशिश की दिलवाने के लिए लेकिन वो पेपर बहुत अच्छे तरीके से देना चाह रहे हैं। एंड आई होप के बिकॉज माय वर्ल्ड सिचुएशन, आई होप के फॉर बिकॉज ये नबलियंस अच्छा एक ओनली टाइम पास स्टूडेंट बिकॉज नो बच्ची नो आपने 15 से तो लेके आया नमलियन सारे। अभी ये 15 से लेके आया भाई, बस कर जज्बात में बह गए, उसका नाम नहीं।